दोनों हाथ बोध ओ भोभुवा स्वाह तत्सुविण्यम भर्गो देवश यो धो नचोदया बोली वेद माता गायत्री की जय तो जैसा कि बहनों हाँ, हमारी भूमिका बन चुकी थी कि कैसे हम सोशल मीडिया और इंटरनेट के आदि हो चुके हैं तो हम ये जानेंगे कि क्या क्या इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं बहुत सारे लोग तो अपने में जानते होंगे लेकिन कुछ कुछ बारीकियां हैं जो हम कभी देखते नहीं है या टाल देते हैं कि अरे ठीक है चलता है जैसे अपने ही घरों में आप बच्चों को देखते होंगे कि वो बहुत घंटे घंटे मोबाइल में है फिर भी हम सोचते हैं चलता है क्या होता है है ना और कई कई तो अभी जो है नवजात शिशु जब पैदा होते हैं तो उनके हाथ में सर्वप्रथम मोबाइल ही पकड़ाया जाता है अरे बेटा देखो अरे बेटा देखो इस प्रकार का और जब वो रोता है तो सर्वप्रथम हम क्या देते हैं कोई झुंझुना जुन या खिलौना ना देकर मोबाइल पकड़ा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा जो अभी है ड्रॉबैक है तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि इसके क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फायदे हैं तो आइए हम पावर पॉइंट की तरफ चलते हैं और इसके साथ ही आप लोग से फिर से निवेदन है कि आप वीडियो में आएंगे और जो भी प्रश्न है उसे लिख कर रखेंगे इसमें बहुत प्रश्न उठते हैं बहनों तो आप लोग को भी जो भी प्रश्न होगा तुरंत पूछिएगा ताकि आपका भी समाधान हो और आने वाले जो भी, जहां भी आप शिविर में जाएंगे वहां भी समाधान मिल सके जी स्क्रीन दीदी आगे है कंफर्म करेंगे थोड़ा सा स्क्रीन दिख रहा है ना दीदी जी दीदी जी दिख रहा है। जी दीदी जहाँ आवाज कटेगी कृपया बताएंगे जी। स्क्रीन अगर तो, तो सोशल मीडिया एवं इंटरनेट एडिक्शन सर्वप्रथम हम जानेंगे कि कैसे हम परिवर्तन तो जो है कभी आज का अमृता दीदी पुलिस स्क्रीन लाइए साइड में जो दिख रहा है उसको हटा करके पुलिस स्क्रीन में करिए हाँ. जी तो जैसे कि परिवर्तन जो है हमेशा से ही संसार का एक नियम है कि हम परिवर्तन होते रहता है तो पैसे कभी पाषाण काल था कभी वहां पे हमने दो तीन दशक पहले तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ युग आएगा जिसमें हम जो है एक दूसरे से देखकर जैसे आप हम आज हम जुड़े हुए हैं इतने सारी बहनें तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दूसरे को देखकर हम बात कर सकेंगे तो कैसे हम पर कभी पाषाण काल में थे अग्नि की खोज हुई फिर बिजली की खोज हुई और फिर एक ऐसा माध्यम आया जिससे इंटरनेट कभी आपने सुना होगा कि किस प्रकार का पहले ढोल बजाकर मतलब पहाड़ों पर ढोल बजाकर मुनियादी किया जाता था तो पता चलता था कि कोई खबर है तो आज ये ऐसा काल हो गया है कि आप आप, आप, आप कोई भी कार्ड है कोई भी इनविटेशन है वो व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया और हमारा काम हो गया तो इस प्रकार का आज दौर आ गया है कि हमको किसी से मिलना जुलना नहीं है लेकिन एक क्लिक में आपको सारी खबर मिल जाती है तो आज का जो आधुनिक अविष्कार है वो इंटरनेट है सबसे बढ़िया जो है आज विश्व के किसी भी हम कोने में बैठकर कोई भी जानकारी हमको चाहिए हम तुरंत एक क्लिक करते हैं हमारे जो गूगल बाबा हैं हमारे कई जो है स्टेट एस भी लगाते हैं गुरु गुरु पूर्णिमा पर कि हमारे सबसे बड़े गुरु गूगल हैं तो इस प्रकार जो है कोई भी जिज्ञासा चाहिए आपको कुछ भी तुरंत समाधान हो जाता है पहले क्या होता था जस्ट आप समझ ले तीन दशक पहले या चार दशक पहले कि कोई भी लाइब्रेरी खोजनी पड़ती थी बहुत बड़ी लाइब्रेरी में कोई जाता था और तब उनको समाधान मिलता था कि क्या उनसी चीज कहाँ पर होती है और कैसी होती है आज हमको अगर कोई अः दुनिया का मैप भी चाहिए तो हम तुरंत एक क्लिक करते हैं हमको पूरा पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है तो आ, और सबसे बड़ी खासियत है जो कोविड के बाद ज्यादातर प्रचलित हुई है वो है कि, कि यूनिवर्सिटीज में जो है हम ऑनलाइन डिग्री आराम से प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे ही कहीं नहीं जाना है कोई खर्च नहीं करना है आपको सिर्फ ऑनलाइन बैठना और सारी जानकारी प्राप्त करनी है आपको ऑनलाइन डिग्री मिल जाती है जो की पहले बहुत मुश्किल था और ऐसे ही जो दूर तबके के बच्चे रहते हैं जहाँ पे जा मतलब कि ट्यूशन या कोचिंग नहीं होता है जैसे दिल्ली दिल्ली सब जाते थे दिल्ली में जहाँ जाते थे कि बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग होते हैं तो आज हम बैठकर वही दिल्ली के कोचिंग अपने घर पर कर सकते हैं सिर्फ आपको थोड़ी सी फीस भरनी पड़ती है और आप वो पूरा जो बेस्ट टीचर हैं अपने देश के या विदेश के जहाँ से भी आपको चाहिए वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और सबसे जो खास बात है जो हर कोई यूज करता है वो है लेटेस्ट खबरें कहाँ पे क्या हो रहा है अमेरिका में क्या हो रहा है दू दूसरे ध्रुव दू में क्या हो रहा है कहाँ पे कौन सा आविष्कार हुआ है आज तो सबसे बड़ा जो हमारी उपलब्धि है चंद्रयान थ्री वो कहाँ क्या से पहुंचा हम उस वीडियो के माध्यम से भी देख पा रहे हैं ऐसी ऐसी खबरें हमारी इंटरनेट से मिल जाती है और स, जो, जो लास्ट है हमारा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हम एक क्लिक में जान लेते हैं कि हमें मतलब कहा, कहा पे कौन सी जॉब निकली है और हम वहाँ पे तुरंत भर लेते हैं पहले क्या होता था न्यूज में ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होती थी उससे पहले तो पता ही नहीं था तो न्यूज़पेपर से हमको तुरंत जो रोजगार समाचार आते थे उससे मिलता था अब जो है एक क्लिक में हम कहीं पे भी कहीं कहीं से भी अब ऑनलाइन जॉब का भी है वर्क फ्रॉम होम तो वर्क फ्रॉम होम आप घर में भी बैठे वहां पे जॉब कर सकते हो ये इंटरनेट का ऐसा दुनिया है जो कितना आसान कर दी हमारे जीवन को आइए देखते हैं इंटरनेट के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं तो यहाँ पे जो चार हमारे दिख रहे हैं कलरफुल तो ये मुख्य मुख्य है शिक्षा में के क्षेत्र में जैसे जाए तो हमारे जो महंगे महंगे बुक्स हैं जो हमको नहीं अवेलेबल होते हैं वो तुरंत हमारे ई बुक के द्वारा मैगजीन के द्वारा जर्नल के द्वारा और देश दुनिया की सारी जानकारी हमको मिल जाती है वही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जाते हैं तो हमारे जो फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर इत्यादि जो है वो हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है जिसमें हम होते हैं। ये, स्क्रीन में ऑप्शन नहीं, है, है। नहीं, नहीं, नहीं आ रहा का या तो अमृता को करने दीजिए तो आप फ्री हो करके कभी आगे नहीं बढ़ रहा है एफ फाइव में आप फिल्म करेंगे तो फुल स्क्रीन आएगा फुल स्क्रीन है अब आया अब फाइव कहाँ है ये फाइव अच्छा आप फुल स्क्रीन आया है नहीं नहीं नहीं, नहीं आया दबाइए ना कौन सा दीदी दबाई पुलिस क्रीम तो नहीं, चली, चली, पुल बारी, बारी, बारी नहीं आ रहा दवाई चलिए कोई बात नहीं बड़ा नहीं आ रहा ऐसे एक्सप्लेन करिए ठीक जी तो हम थे सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हमारे हम सोशली जो एक, एक्टिव रहते हैं लोगों से मिलते हैं समाज का एक दायरा होता है जहाँ पे हम मिलते हैं फेसबुक के द्वारा लोगों को जानते हैं व्हाट्सएप ट्विटर इस सबके द्वारा हम सोशल सोशली एक्टिव हो जाते हैं अब आते हैं इंटरटेनमेंट में इंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा संसार है हमारे मोबाइल के अंदर ही इंटरनेट के द्वारा जो होता है विभिन्न गेम्स होते हैं वीडियोस होते हैं यूट्यूब पर ऑडियो यूट्यूब सारी चीज हमारे इंटरनेट से इंटरटेनमेंट में होते हैं और वही सर्विसेज जैसे कि हम यूपीआई पेमेंट करते हैं तुरंत हम एक क्लिक पर पेमेंट कर देते हैं तुरंत वहां पे कोई भी हमको सर्विस मिल जाती है या कोई खरीददारी हो जाती है आज जो है हम जो इतने अच्छे दौर पर आ गए हैं कि हम तुरंत हमको कोई चिल्हर अब चिल्हर की समस्या ही नहीं है हमको मतलब पचास पैसे भी देने हैं तो आराम से हम यूपीआई के द्वारा पचास पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं तो ऐसे ही फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट क्या है कि हम जो सामान लेना है हम दुनिया मतलब कहीं और मैन्युफैक्चर हो रहा है कहीं और बन रहा है उसको हम तुरंत अपने घर पर मंगा सकते हैं डोर स्टेप मतलब अपने दरवाजे पर वो लेकर आएगा वैसे अमेजन है एक साइट है और फ्लाइट और ट्रेन की टिकट है आप घर बैठे आराम से टिकट बुक कर सकते हो ऐसी सुविधा है कहीं लंबी लाइन लगनी नहीं पड़ती है वैसी होटल बुकिंग है आप कहीं पे टूर जा रहे हो कहीं घूमने जा रहे हो तो कोई समस्या नहीं है कि आपको वहाँ पे लोकल से पूछना पड़े या कोई ठगी के शिकार हो जाए आप घर बैठे यहाँ पे आराम से बुकिंग कर सकते हो कि हमको यहाँ जाना है जैसे कि आपको चारधाम यात्रा भी जाना है तो आप वहां से होटल बुकिंग कर सकते हैं तो आइए हम आप जानते हैं ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई जो हमारी थी चारों लेकिन उसके साथ ही जो है हम आप जानते हैं इसके कौन से बारे में डिसएडवांटेज जो हमारे दुष्प्रभाव हैं तो एक होता है इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर जो अभी बहुत प्रचलन में है ज्यादातर तो जो चौदह से चालीस वर्ष के बच्चे जो हैं किशोर हैं युवा है वो समय काटने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं जो व्यक्ति आठ घंटे से ज्यादा इंटरनेट का समय बिताता है उसको इस श्रेणी में रखा जाता है एक ऐसा रिसर्च के निकाले गए हैं कि इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर एक नाम दिया गया है डिसऑर्डर का कि वो बच्चा जो है जो आठ घंटे से ज्यादा इंटरनेट में समय बिता रहा है चाहे किसी में जो चारों में बता रहे हैं हम उसमें से कि वो किस श्रेणी में रखा जाएगा तो ज्यादातर हम जो जो बच्चे हैं जो ये चौदह से चालीस वर्ष के जो बच्चे हैं और युवा हैं वो इंटरनेट गेमिंग पोर्नोग्राफी ऑनलाइन शॉपिंग सोशल नेटवर्किंग में ज्यादा समय देते हैं जो मिनिमम जो आठ घंटे वो मिनिमम है मतलब कम से कम है उससे ज्यादा ज्यादा बच्चे समय बिता रहे हैं और ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो दोस्तों से मिलना जुलना कम कर देते हैं रिश्तेदारों से हिचकिचाहट के बात नहीं करते या मिलते जुलते नहीं है और जब सामाजिक सम्मेलन से कुछ उनको बैठना होता है या जाना होता है तो वो घबराते हैं या छुप जाते हैं मिलते नहीं है तो इसे एक आ, माना जाएगा कि वो इंटरनेट के नशे के गिरफ्त में होते जा रहे हैं और आइए हम जानते हैं फर्स्ट स्टेज क्या है जो आ, आप यहां पे जितने भी बैठे हुए हैं अपने में आकलन करेंगे और शिविर में भी बैठी हुई सारी बहने जो है वो आकलन करेंगी कि आप क्या आ, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर के शिकार हैं तो ये सबसे प्रथम देखेंगे हम हर दिन क्या आप पांच से दस घंटे ऑनलाइन रहते हैं तो आप पहले लगाएंगे कि हाँ हम रहते हैं या नहीं रहते आप अपने मन में गिनती कीजिए क्या आप घर से बाहर निकलना आपको पसंद नहीं है या मन नहीं करता कि हम निकले बाहर क्या अच्छा नहीं लगता है तो आप देखिए फिर उसके बाद है भोजन व काम में एकाग्रता से मन नहीं लगना ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मोबाइल देख ले क्या जब काम कर रहे हैं तो अरे बहुत बड़ा बोझ है मेरे ऊपर क्या करूं इस प्रकार का जितना जल्दी हो सके यह काम और भोजन मेरा निपट जाए तो मैं मोबाइल में पहुंचूं ऐसे ही जो सबसे बड़ा जो आज का आ, मतलब रूटीन है आदत है हैबिट में आ गया है हमारे वो है कि हम जब भोजन करते हैं बहुत सारे जो हैं वो बिना मोबाइल या टीवी या मॉनिटर के सामने रखे वो भोजन नहीं कर पाते हैं उन्हें कुलबुलाहट हो जाती है कि अरे मैं भोजन कर रहा हूँ और मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ तो जो वो है ना भोजन करते समय हम इस प्रकार का करते हैं और भोजन में एकाग्र नहीं होते हैं तो वो अपचन का शिकार हो जाते हैं इसी प्रकार है बार बार हम व्हाट्सएप चेक करते हैं फेसबुक चेक करते हैं कि कुछ नोटिफिकेशन तो नहीं आया कुछ मैसेज तो नहीं आया या मैंने कोई फोटो डाली है उस पर किसी का कमेंट तो नहीं आया इस प्रकार हम बार बार चेक करते हैं और जो सबसे बड़ा जो व्यवधान है पढ़ाई में वो है हम पढ़ाई करते वक्त भी ऑनलाइन रहते हैं और बार बार हम उसको चेक करते रहते हैं कि क्या कुछ आया है मेरे पास नोटिफिकेशन किसी का कॉल तो नहीं आ रहा है या व्हाट्सएप पे कुछ नया कोई स्टेटस तो नहीं लगाया है या फेसबुक में किसी ने नए फोटो तो नहीं डाले हैं तो इस प्रकार का हम पढ़ाई करते वक्त भी हमारा मन किस में लगा रहता है ऑनलाइन इंटरनेट में जहाँ कोई वे, वेबसाइट है और एप्स है और उसके बाद है जब हमे हम कमरे में अकेले रहते हैं और इंटरनेट चलाते रहते हैं तो हमको राहत का महसूस होता है हमको लगता है कि हाँ अब कोई नहीं है मेरे पास अब मुझे आराम मिला है अब मैं आराम से इंटरनेट या व्हाट्सएप फेसबुक चला सकता हूँ ये लोग अच्छा हुए मैं अभी नहीं है मेरे घर में इस प्रकार का तो आप इन सभी में देखिए कि क्या आप इन सब में से आपको लगता है आपके मन से आप पूछिए अंतरात्मा से पूछिए कि क्या ये मैं सब चीज करती हूँ तो ये सारे लक्षण आप में अगर दिख रहे हैं तो आप यहीं पर सावधान हो जाइए क्योंकि आपको इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर हो रहा है आइए हम जानते हैं पूरी है, दुनिया में एक मिनट में हम क्या क्या कर सकते हैं ये होता है पूरी दुनिया में क्या होता है लगभग तीन लाख पचहत्तर हजार एप्स डाउनलोड होते हैं सिर्फ एक मिनट के अंदर आगे नहीं जा रही मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण कमजोर होता है पैसा होता है तो ये अब जाके आया ये सिर्फ एक मिनट में इंटरनेट कर तो ना बहुत लेट कर रहा है ये तो मैं सोचती अमृता दीदी को बोले जी दीदी अगर दीदी जुड़ी है तो अच्छा वो नहीं जुड़ी है क्या देखना पड़ेगा मुझे, एक मुझे. अच्छा चैट में आया था तबियत खराब है कुछ हो गया चलो हाँ uh, आया दीदी स्लाइड आया सिर्फ एक मिनट में इंटरनेट पर ये स्लाइड है जी ये वाला स्लाइड अभी आया आ, uh, पीछे कर दो क्या एक बार पीछे करके देखिए नहीं है हाँ उसके पीछे ये नहीं आया था बीच मिनट ठीक है ये भी, नहीं। ये भी नहीं आया था अभी आया ये वाला आया था दीदी नहीं आया था बस आया जी यहाँ से बताती हूँ फिर जी जी तो आइए हम एक बार रफली चलते हैं एक एक ऊपर ऊपर से कि तो क्या होता है थोड़, थोड़ा थोड़ा धीरे बोलिएगा स्लो बोलिएगा समझा के थोड़ा अच्छे से अच्छा समझ में आया जी आ, तो हम चल रहे थे इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर क्या होता है तो जब हम आ, कोई भी जो चौदह से चालीस वर्ष के बीच आप सभी यहाँ बैठे हुए हैं वो मैक्सिमम लोग पे आते हैं 14 से चालीस वर्ष के बीच और वो बच्चे जब आठ घंटे से ज्यादा इंटरनेट पर अपना समय बिताते हैं तो उसे इस एडिक्शन डिसऑर्डर के अंदर रखा जाता है ये अः अब ऐसा हो गया है आप लोग को सूचित करना चाहूंगी कि मुंबई और पुणे में अब इसका क्लिनिक खुलने लगा है किस चीज का इस नशे को छुड़ाने के लिए इस डिसऑर्डर को छुड़ाने के लिए इसको ठीक करने के लिए मुंबई और पुणे में क्लिनिक खुल गया है क्यों और ये और भी जगह पे खुलने वाला है क्योंकि जो हमारे युवा साथी हैं और जो किशोर है वो हटते ही नहीं है मोबाइल स्क्रीन से हटते नहीं उनको सोना है तो देख सोएंगे उठ कर देखेंगे तुरंत चेक करते हैं कि कुछ नोटिफिकेशन तो नहीं आया और दिन भर तो चलता ही है उनका इंटरनेट और मोबाइल स्क्रीन के सामने कुछ ना कुछ देखना तो वैसे ही जो ज्यादातर युवा बच्चे हैं हमारे युवा किशोर बच्चे सारे इंटरनेट गेमिंग शॉपिंग नेटवर्किंग इन सब में अपना समय बहुत जाया करते हैं और उसके साथ ही उनके साइड इफेक्ट क्या आते हैं कि वो दोस्तों से फिजिकली मिलना जुलना बंद कर देते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अरे क्या टाइम पास मैं कर रहा हूँ मैं इतने में तो किसी यूट्यूब का वीडियो देख लेता और इसी प्रकार जब रिश्तेदार उनके पास आते हैं या कुछ पूछते हैं या किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाना पड़ता है तो हिचकिचाते हैं वो सोचते हैं मैं ना जाऊं ये तो टाइम पास है ये यहाँ पे मेरा कुछ काम नहीं है इस प्रकार का सोचते हैं तो वो इंटरनेट के आ, नशे के गिरफ्त में होते जा रहे हैं आइए जानते हैं कि आ, हम जो है फर्स्ट स्टेज जो है हमारा वो क्या ये डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं आप सभी जो यहाँ हैं वो देखेंगे कि ये जो आप लोग एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं कि नहीं तो आप लोग अपने मन में ये टिक करेंगे अपने मन में आकलन करेंगे कि हम क्या इस सब चीजों को कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो अभी से सावधान होना पड़ेगा आप सभी को तो हम जो पांच से दस घंटे अगर ऑनलाइन समय बिताते हैं हर दिन तो आप इस एडिक्शन के शिकार हैं घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है या ऐसा सोचते हैं कि मुझे निकलना ना पड़े बहुत ही कम मैं निकलू जब भोजन करते हैं या काम करते हैं तो एक चित्त या मन एकाग्र नहीं होता है सोचते हैं मोबाइल में कुछ आया होगा या मोबाइल को देखेंगे तो ज्यादा मन अच्छा लगता है मन में राहत महसूस होती है और वैसे ही जब भोजन करते हैं हम तो हम सोचते हैं कि मोबाइल या मॉनिटर या फिर टीवी सामने रहे और कुछ हम सीरियल देखते रहे या कुछ वीडियोस देखते रहे उसके साथ भोजन करेंगे तो हमारा दोनों समय बचेगा भोजन का भी और हमारा एक वीडियो भी दिखा जाएगा तो इस प्रकार का हम सोच के हमेशा भोजन करेंगे तो उसी समय ही करेंगे मतलब जब हमारे मोबाइल सामने रहेगा तभी भोजन करेंगे वैसे ही दोस्तों या परिवार से मिलने में एक महसूस होता है कि नहीं 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 जाएंगे इस प्रकार का मन में होता है और बार बार हम व्हाट्सएप फेसबुक सभी चेक करते रहते हैं कि कुछ नोटिफिकेशन तो नहीं आया कि आ, कुछ नया कुछ स्टेटस तो नहीं लगाया है कोई नई फोटो तो नहीं लगाई है इस प्रकार का हम चेक करते रहते हैं और पढ़ाई करते वक्त भी हम हम, हम हमेशा ऑनलाइन रहने की कोशिश करते हैं और हमेशा सोचते हैं कि पढ़ाई तो कर रहे हैं एक पेज हमने पढ़ लिया चलो ठीक है अब तुरंत व्हाट्सएप चेक करते हैं किसी ने मैसेज तो नहीं किया इस प्रकार का और जब हम आखिरी में कमरे में अकेले रहते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम इंटरनेट चलाते रहे हमको कोई डिस्टर्ब ना करे हम बहुत आराम से हैं हमको कोई दुनिया से लेना देना नहीं है इस प्रकार का हमको फील आता है तो अगर ये सारे लक्षण आपके अंदर महसूस हो रहे हैं तो आप जो है अभी से सावधान हो जाइए क्योंकि तो आप इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर के फर्स्ट स्टेज में आ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं कि एक मिनट में जो है इंटरनेट पर क्या क्या हो जाता है पूरी दुनिया में एक मिनट में जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिक्चर दिख रहा होगा कि तीन लाख पचहत्तर हजार ऐप डाउनलोड हो जाते हैं और उसी के साथ जो है अलग अलग जो टिंडर है फेसबुक पे है इतने नौ लाख तिहत्तर हजार लोग लॉग इन कर लेते हैं सिर्फ एक मिनट में और उसी प्रकार जब हम नेटफ्लिक्स जो है नेटफ्लिक्स आजकल बहुत ट्रेंड में है बहुत ज्यादा ही ट्रेंड में है ऐसा हो गया कि जिनके पास नेटफ्लिक्स के अकाउंट नहीं है या पासवर्ड नहीं है जिन्होंने नहीं खरीदा है उसका सब्सक्रिप्शन वो मतलब पिछड़े वर्ग के हैं इस प्रकार का सोचा जाता है क्योंकि तो मैं थोड़ा सा कॉलेज में जाती हूँ तो मैंने सुना है कि अगर वहां पे कुछ चर्चा चल रही है तो नेटफ्लिक्स की जरूर वहां पे चर्चा चलती है और जो उस चर्चा में शामिल नहीं होता है तो उसे पिछड़ा समझा जाता है तो ऐसे ही एक मिनट में जो है दो लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं एक मिनट के अंदर और वैसे ही यूट्यूब पर जो कि यूट्यूब एक चर्चित ऐप है जहाँ पे आ, हर चीज का इंफॉर्मेशन तो मिलता है साथ ही वीडियो लेक्चर भी मिलते हैं उसमें चार दशमलव तीन मिलियन वीडियोस डाउनलोड होते हैं देखे जाते हैं यूट्यूब पर और ऐसे ही व्हाट्सएप गूगल ट्विटर ये सारे ऐप है जो हमारे एक मिनट में इतने सारे काम हो जाते हैं आ, मतलब होते रहते हैं सब्सक्रिप्शन से लेके डाउनलोड हम आगे बढ़ते हैं हम अब आते हैं इसके दुष्प्रभाव पर सोशल मीडिया एवं इंटरनेट के दुष्प्रभाव पे हमने तो जाना बहुत अच्छी अच्छी चीज की क्या क्या उपयोग होते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं अच्छी अच्छी चीजें लेकिन इसके दुष्प्रभाव बहुत ही ज्यादा हैं सबसे पहला जो होता है ये होता है कि हम जो है आ, एक एक स्क्रीन है एक छोटा सा स्क्रीन है चाहे वो हमारे 11 इंच का स्क्रीन हो चाहे एक लैपटॉप हो हम जो है इस तरफ बैठे हुए हैं कैमरे के लेकिन हम नहीं जानते कि उधर कौन बैठा हुआ है क्योंकि उधर तो पूरी संसार है जितने लोग मोबाइल चला रहे हैं जितने लोग इंटरनेट चला रहे हैं वो सारे संसार आपके दूसरे साइड है तो कौन आपको कब हैक कर रहा है कब देख रहा है आपको कुछ नहीं पता है क्योंकि हम अनभिज्ञ होते हैं हम तो मोबाइल ले लिए हम तो इंटरनेट डलवा लिए लेकिन क्या हो रहा है पीछे हम नहीं जानते हैं तो आइए हम इसको समझते हैं बहुत ही बारीकी बारीकी से समझेंगे आप सभी जो भी जुड़े हुए हैं बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि आप सभी रिलेटेड है ये सारी चीजें आइए हम पहले पे चलते हैं ये हमारी एक आरती बहन है जो एक मोबाइल शॉप में जाती है थोड़ा सा छोटा अक्षर दिखेगा मैं आपको समझा कर बता रही हूँ इसलिए कि आरती जो है मोबाइल शॉप में जाती है पांच सौ रुपए का रिचार्ज कराती है तो दुकान वाला उनको कहता है कि अभी सर्वर थोड़ा सा डाउन है मैं थोड़ी देर में कर दूंगा आधे घंटे बाद आरती को मैसेज मिलता है कि पाँच सौ रुपए का रिचार्ज हो गया आरती दुकान में कहती है जाकर कि चार सौ पचास रुपये तो मेरे पास छुट्टे नहीं है क्योंकि तो मैं पचास uh, रुपए का मतलब मैं पचास रुपए का करवाना चाहती थी लेकिन चार सौ पचास रुपये मेरे पास छुट्टे नहीं है तो जो uh, दुकान वाला लड़का है अखिल नाम का वो बोलता है कि ठीक है मैं बाद में ले लूंगा और बाद में वो नंबर एक्सचेंज करते हैं क्योंकि वो रिचार्ज किया रहता है तो उसके पास तो नंबर रहता है तो उसको हाई करके मैसेज भेजता है और इसी बीच दोनों दोनों में अच्छी खासी बातचीत शुरू हो जाती है और उसके बाद जो है दोनों घूमने लग जाते हैं गिफ्ट वगैरह देते हैं आरती को भी अच्छा लगता है कि अरे वाह मुझे एक एक दोस्त मिल 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 गया मिल गया गया सहचर बॉयफ्रेंड इस प्रकार का फिर एक दिन अखिल जो जो है जो दुकान वाला है वो आरती को बोलता है चलो होटल रूम चलते हैं आरती जो है वो वो तो सातवें आसमान पे रहती है उसको अच्छा लगते रहता है इसके साथ घूमना समय बिताना वो भी चले जाती है और उसके दूसरे दिन वो अखिल नाम का लड़का उससे ब्रेकअप कर लेता है बाद में आरती को यह रिलाईज होता है उसको पछतावा होता है कि मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी थी पहले मुझे उससे जान समझ लेना था या फिर उसके ऊपर ट्रस्ट इतना विश्वास नहीं करना था बाद में उसके वीडियो जो है वो चुपके से होटल रूम में वीडियो बना लेता है और उसे धमकी देकर ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने कुछ बताया तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा तो इस प्रकार के जो आ, आ, स, आ, क्या बोला जाए समस्या या फिर इंसिडेंट है वो मैक्सिमम लड़की लोग के साथ होता ही है लड़कियां क्या होती है थोड़ी सी भावनाशील होती है और तुरंत मतलब ऐसा होता है कि कोई अगर उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करने लग गया जिनका सच में हृदय मजबूत है वो तो नहीं फंस पाते लेकिन जिनका कोमल हृदय है उनको अगर थोड़ी सी भी कोई अच्छी बातें करने लग जाता है, वो सोचती यही मेरा तक है यही आ, मेरा सुख चिंतक है यही अः मेरा सहपाठी है मैं मतलब इसके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ इस प्रकार का वो सपने देखने लग जाती है और वो इसमें फंस जाती है तो ये सबसे पहले जो है हमारी बच्चियों को हमारे जो किशोर किशोरिया हैं उनको समझने की दे चाहिए कि ऐसे चीजों में बिल्कुल नहीं फंसना है आप अनजाने अनजान व्यक्ति हैं तो आप उनको तुरंत मना करें कि हम आपसे बात नहीं करेंगे और ये मेरा प्राइवेट नंबर है आप डिलीट करिए या फिर आप अपने घर वालों से शिकायत करिए इसके बाद ही हमारा समाधान है कि आप हम समाधान क्या कर सकते हैं तो क्योंकि आ, हमारे जो बहने यहाँ पे जुड़ी हुई है वो जरूर हमसे प्रश्न करेंगी कि दीदी अगर हम मतलब रिचार्ज शॉप से रिचार्ज ना करवाए तो कहाँ से करवाए क्योंकि वो तो नंबर लेगा ही तो आप पहले प्रथम जब यूपीआई आपको बताया गया है यूपीआई से आराम से पेमेंट हो जाता है आप मोबाइल रिचार्ज अपने ही अकाउंट से अपने ही फोन से कर सकते हैं और अगर नहीं करते हैं तो कस्टमर केयर सर्विस से ही रिचार्ज करें और एक वाउचर होता है वाउचर मतलब कि एक कार्ड टाइप का होता है उसे हम पहले स्क्रैच करते हैं और डालते हैं तो उसमें भी आप अपना अपने से ही स्क्रैच करके उसमें डालें या फिर उसे अगर जो आपका जो पहचान टाइप का है अगर लोकल जो रिचार्ज करता है उसे ही दें कि हाँ ये हमारे पहचान का है इस प्रकार का आप हर जगह पे ऐसे जो है सामने से समझ आ जाता है तो सर्वप्रथम जो है सबसे बेस्ट जो है हमारा वो है ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से आप रिचार्ज करें क्योंकि ये बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे मोबाइल नंबर ले लिया जाता है और उसे फिर परेशान किया जाता है तो आप जो है ये बिल्कुल ना करें ये आप लोग को समझ आ गया होगा अब हम दूसरे पे चलते हैं केस दूसरा है एस एस तो जो एक लड़की है ऐश्वर्या नाम की उसको जो है बहुत ही खरीदारी का शौक है उसको बहुत सारे अकाउंट में साइट्स है जैसे हमने बताया आपको फ्लिपकार्ट अमेजन ये सारे साइट्स होते हैं जहाँ पे हम खरीदारी कर सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें मंगा सकते हैं और तो कई बार उसको ना उस फ्लिपकार्ट अमेजन ऐसे ऐसे खरीदारी शॉप से उसको कूपन मिलता था कि आपने ये जीता आपको ये ऑफर मिलता है तो एक दिन उसी साइट से उसको पांच हजार रुपए का बैग पांच सौ रुपये में मिलने का मेल आता है और वो सोचती है अरे वाह मैं तो बहुत ही खुश नसीब हूँ मुझे इतना अच्छा ऑफर मिला है साथ ही उसके नंबर पर टेक्स्ट मैसेज आता है कि अगर वह ऑनलाइन पैसे देती है तो उसके ऑफर डबल हो जाते हैं मतलब उसको दो बैग मिल सकता है अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करती है ऐश्वर्या जो है बैंक में जाती है और एक हजार रुपये बैंक के ऑनलाइन भेजकर उसको ट्रांसफर कर देती है उसी साइट पर एक महीने बाद भी उसको सामान प्राप्त नहीं होता है बाद में उसको पछतावा होता है कि मैंने उस लिंक को ही क्यों क्लिक किया तब उसे समझ आता है कि जब भी कोई बहुत बड़ा ऑफर आता है जो एकदम लगता है कि ये ये तो बहुत बड़ा है ये मेरे को कैसे मिल सकता है इस प्रकार नाइन्टी परसेंट डिस्काउंट लिखा है यहाँ पे ऐसे ही टाइप का तो हमें पहले उसको वेरीफाई करना जरूरी है कि क्या ये सही है क्योंकि तो मुफ्त में बहुत ही मतलब मिलता ही नहीं है कुछ भी चीज नहीं मिलती है मुफ्त में तो इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है और आजकल जो आ, हो रहे हैं केसेस उसमें नाइजेरियन स्कैम है एक नाइजीरिया देश है वहां से बहुत ज्यादा स्कैमर्स जो है सभी के नंबर पे ऐसे टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं कि आपने पांच सौ रिचार्ज जीता है अडानी ग्रुप खुश हो गया है और वो अपने पांच सौ रुपए का रिचार्ज दे रहा है जियो ग्रुप से रिलायंस का उसके बेटे का बर्थडे है तो वो रिलायंस में दे रहा है जियो में दे रहा है इस प्रकार का आपको जरूर मैसेज आते होंगे आप उससे सावधान रहें उसको बिल्कुल क्लिक नहीं करेंगे आप आइए इसका समाधान इस प्रकार देखते हैं इसको रोकने का जो है प्रॉपर समाधान बिल्कुल नहीं है क्योंकि आप ये जो एक सॉफ्टवेयर के द्वारा मैसेज भेजा जाता जा है जा। जैसे कि आपको जियो या फिर अन्य एयरटेल वगैरह से मैसेज आता होगा कि आपका फिफ्टी परसेंट जो डेटा है खत्म हो चुका है या हंड्रेड परसेंट डेटा खत्म हो चुका तो एक सॉफ्टवेयर डाला होता है कि आ, जैसे ही डेटा खत्म हो तो आपको मिल जाए वैसी सूचना तो ऐसे सॉफ्टवेयर स्कैमर्स के पास भी होते हैं जो तुरंत मैसेज भेजते हैं सारे नंबर पर कि अः आपने ये जीता है आपने वो जीता है इस प्रकार का और उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है जब भी ये कंप्लेन जाता है साइबर पुलिस के पास तो वो ट्रैक करने मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि वो आईपी एड्रेस बदलते हैं आईपी एड्रेस मतलब जो लैपटॉप है उसका जो इंटरनेट का जो एड्रेस होता है उसको वो बदलते जाते हैं कभी वो दिखाएगा ऑस्ट्रेलिया कभी दिखाएगा अमेरिका तो हमारे साइबर पुलिस कहाँ कहाँ ट्रैक कर पाएंगे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे इसलिए सबसे जो समाधान है वो है आप इसे इग्नोर करिए अगर आपके मैसेज आता है उसको डिलीट कर दीजिए आप क्लिक नहीं करिए ये व्हाट्सएप में भी आ सकता है टेक्स्ट मैसेज में भी आ सकता है किसी भी ऐप आप में आपका आ सकता है आइए तीसरे हम समस्या पे चलते हैं तीसरा समस्या है कॉल कॉल कॉल्स बोलते हैं इसे एक यहाँ पे चित्र दिया हुआ है आप सभी को दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक सबाना नाम की विधवा महिला है विधवा है तो उसके घर कोई नहीं रहता है अकेले रहती है वह अपने आप को व्यस्त रखने के लिए सोशल मीडिया देखते रहती है मतलब कि अगर कोई नहीं है तो उसके पास टाइम पास करने के लिए क्या है सोशल मीडिया है तो उसमें फेसबुक इंस्टा ट्विटर सब पे अकाउंट बना रखा है तो उसे पता नहीं होता है कि आजकल बहुत फ्रॉड होते हैं तो वो हर किसी को ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती थी और सबका एक्सेप्ट भी कर लेती थी तो सवाना का जो बेटा है एक दिन इमरजेंसी कॉल करता है अपने माँ को कि माँ मेरे अः मुझे बहुत जरूरी है काम आप मेरे दोस्त के अकाउंट में एक लाख रुपए भेज दीजिए तो सवाना अपने बेटे का नंबर वेरीफाई करती है कि अरे ये तो मेरे बेटे का ही नंबर है और वो उस अकाउंट में जो उसके दोस्त का अकाउंट है उसमें वो एक लाख रुपए तुरंत ट्रांसफर कर देती है क्योंकि इमरजेंसी होता है जब पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो वो अपने बेटे को कॉल करके पूछती है कि बेटा पैसा आया कि नहीं तब तो जब बेटा सुनता है अरे मेरी माँ तो मुझे पैसे के लिए पूछ रही ये कैसे हो सकता है उसको बहुत बड़ा झटका लगता है बोलता है मैंने तो कॉल नहीं किया माँ तो सपाना को इतना पछतावा होता है कि कैसे मैं साइबर फ्रॉड की शिकार हो गई हूँ तो ऐसे कुछ एप्स होते हैं बहनों जहाँ पे व्यक्ति जो है सॉफ्टवेयर के द्वारा नंबर बदल कर आपको फोन कर सकता है कि आप जो है हमें पैसे भेजिए अर्जेंट कॉल है अब वो जानकारी क्योंकि आपने फेसबुक इंस्टा ये सारी चीज में डाला था है ना सोशल साइट्स में कि मैं अकेली हूँ या फिर अपना बायोडाटा डाला था कि मैं एक विधवा महिला हूँ मेरा एक बेटा है और आप फोटो भी डालते रहते तो एक स्कैमर जो है पीछे उसको पता होता है कि इसका जीवन जो है कैसा है तो वो तुरंत आपको हैक करके वो तुरंत आपको मैसेज भेज सकता है ऐसे मेरे पास भी कॉल आए हैं मेरे घर वालों के पास भी कॉल आए हैं तो इससे बहुत ही आप सुरक्षित रहिए आप तुरंत उनको इग्नोर करिए एक स्पैम करके होता है ऐप आप, मतलब आपके मोबाइल में फीचर स्पैम तो उसका आप स्पैम में रिपोर्ट करिए और तुरंत वो जो है वो नंबर जो है ब्लॉक हो जाता है और अन्य जो कॉल किए जाते हैं उसको वो ट्रैक कर लेते हैं तो आपका आपका ये फर्ज है कि जब भी आपको ऐसा कॉल आए तो आप पहले तो वेरीफाई कीजिए कि सही में आया है कि नहीं है ना एक बार मेरे सर का मेरे जो यूनिवर्सिटी के सर हैं उनका मुझे मेल आया मतलब बहुत सारे बच्चों को मेल आया कि मुझे अर्जेंट जरूरत है अब क्योंकि सर है हमारे हमको पढ़ाए हैं तो हम सोचेंगे कि सर को इतनी जरूरत है क्या हमको भेज देना चाहिए और मेरे एक मतलब एक दीदी है उसने सही में भेज दिया था कि मेरे सर को जरूरत है मेल सबको आया था ऑल करके तो ये जो है उनके में ईमेल अकाउंट में उन्होंने सिर्फ एक के और जोड़ दिया था उनके नाम आ, है मिश्रा करके तो उनमें एक के और जोड़ दिए थे और सेम ईमेल अकाउंट था कोई आ, सोच भी नहीं सकते थे कि वो दूसरे का ई मेल अकाउंट है और हम जो है पहले हम लोगों ने सब हम तो ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो हमने तुरंत तुरंत वेरीफाई कर लिया कि आपको मैसेज आया क्या आपको मैसेज आया फिर सर को किसी ने कॉल किया कि सर आपके द्वारा किसी को मैसेज जा रहा है सबको कि आपको अर्जेंट नीड है आपको अर्जेंट जरूरत है पैसों की तो फिर सर ने सबको कॉन्टेक्ट किया कि मेरा नहीं है वो किसी ने मेरे नाम से फ्रॉड बना दिया है और पैसे मांग रहा है मेरे स्टूडेंट से तो आप सोचिए कि एक सर जो है मैं लॉ पढ़ी हूँ तो मेरे लॉ के सर से इस प्रकार का छल किया गया तो अब सोचिए जो कॉमन आदमी है जिनको कुछ नहीं पता वो कैसे इसके शिकार हो सकते हैं तो आइए इसका समाधान जानते हैं तो ये जो है इसका समाधान नहीं है क्योंकि तो इसको भी ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है जैसे एस है वैसे कॉल है तो जहाँ पे आ, आवाज बदल कर हम आराम से ट्रैक कर सकते हैं आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जो हीरो हीरोइन टाइप का कुछ होता है आ, मतलब मूवी में तो ऐसे चेंज करके आवाज कर, चेंज करके तुरंत किसी को कॉल करके अः मतलब धोखा या भी मजाक करते हैं है ना तो वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि अपनी आवाज की क्वालिटी बदल दी जाती है कभी कोई लड़का लड़की की आवाज में बदल सकता है लड़की लड़के के नहीं बच्चे की भी आवाज बन सकती है और जब हम सोचते हैं कि अरे हमारे पास तो ट्रू कॉलर वाला ऐप है वो तो बहुत अच्छा है ट्रू कॉलर में तुरंत पता चल जाएगा तो ट्रू कॉलर में नहीं पता चलता है क्यों क्योंकि ट्रू कॉलर में जब तक दूसरा पर्सन आईडी नहीं बना रहता तब तक उसका कोई भी नाम या नंबर कुछ नहीं आता है तो ट्रू कॉलर में दोनों को जरूरी है कि वो भी सामने वाला भी आई डी बना रहे और ये वाला भी आई डी बना रहे तब वो ट्रू कॉलर में चेक होता है तो इसलिए हम जो है सबसे समाधान का एक ही माध्यम है कि हम जो है ऐसे कॉल में ना फंसे पहले वेरीफाई कर लें अपने आप कॉल माध्यम से कि आपने सही में मुझे कॉल किया था और उसके बाद ही कोई पैसे का ट्रांजेक्शन करे ओटीपी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो बिल्कुल ना बताएं आप ठीक है आगे हम चलते हैं अब है हमारा साइबर स्टॉकिंग स्टॉकिंग मतलब पीछा करना तो ज्यादातर जो हमारी बच्चियां हैं वो है सोशल मीडिया पर क्या डालती हैं फोटोज बहुत ही सुंदर सुंदर फोटोज एडिट करके और बहुत इंस्टा विंस्टा रील सारी लोग डालते हैं तो हमारी एक बहन है यहाँ पे किरण बहन किरण बहन आती है बहुत एक्टिव होती है बहुत हंसी खुशी जिंदगी जीती है बहुत ही ओपन माइंडेड होती है ओपन माइंडेड मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है समाज क्या कहता है कुछ भी नहीं और अपने आराम से वो हंसी खुशी रहती है इस प्रकार की वो कुछ भी खाती है पीती है घूमती है तो वो हमेशा सोशल मीडिया पर उसको अपलोड करती है जैसे कि आजकल फेसबुक इंस्टा है बहुत पॉपुलर है उसमें हम तुरंत अपलोड करते हैं और उसके बाद वो फॉलोवर्स जो है उनको दिख जाता है तो हमेशा कहीं जाती थी तो चेक इन करती थी चेक इन करना मतलब जब हम कहीं पे बैठे हुए हैं कहीं गए हैं तो हम उसका लोकेशन डालते हैं कि हम यहाँ पर हैं अरे वाह हम केदारनाथ घूमने गए हैं हम गोवा घूमने गए हैं तो इसी प्रकार जो है हमारी जो बहन है यहाँ पे किरण वो भी एक, एक दिन सोचती कि मैं अकेले गोवा घूमने का मतलब मन बनाती है और सोचती कि मैं गोवा घूमू और सोशल मीडिया पर वो अपडेट भी करती है कि मैं गोवा घूमने जा रही हूँ तो एक राज नाम का लड़का है वो उसको पीछे से फॉलो करते रहता है फॉलो करना मतलब उसको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं जैसे हम हमारे जो बच्चे हैं वो आ, हीरो हीरोइन ये सबको फॉलो करते रहते हैं तो उनके जो भी वो कहीं जाते हैं तो उनको तुरंत अपडेट मिल जाता है कि मेरा जो फेवरेट हीरो है फेवरेट है फेवरेट वो ही गया है तो ऐसे ही राज नाम का भी लड़का ना उस लड़की को फॉलो करते रहता है तो वो एक बदमाश रहता है जेल से छुटा हुआ तो राज किरण को मैसेज करता है कि अः मैं आपसे गोवा में मिलना चाहता हूँ तो किरण सोचती कौन सा लड़का है अनजान है इसे मैं ब्लॉक कर देती हूँ ब्लॉक करती है वो उसको स्वाइट से ब्लॉक कर देती है लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वो लड़का उसका पीछा करते करते गोवा आ चुका है और गोवा के बीच पर राज इंतजार करते रहता है कि कब वो किरण नाम की लड़की निकलेगी और वो निकलती है और उसके साथ वो जोर जबरदस्ती करता है और बहुत बुरा चीज करता है और उसके साथ ही उसके आसपास उस बीच में कोई मौजूद नहीं होते हैं बाद में उस लड़की को पछतावा होता है कि मुझे सोशल मीडिया पर कुछ भी इतना अपलोड नहीं करना था मुझे हर चीज डिटेल में नहीं बतानी थी कि मैं कहा जा रही हूँ क्या खा रही हूँ क्या पहन रही हूं मेरे क्या क्या शौक है तो ए, ये जो है हम अपने ही पैरों पर पे कुल्हाड़ी मारना कहते हैं जब हम अपनी ही चीजों को जग जाहिर करते हैं कि हाँ हम क्या कर रहे हैं क्या खा रहे हैं ये सारी चीजें तो आइए इसका हम समाधान भी देख लेते हैं क्या करना चाहिए तो एक ये एक ऑफेंस है मतलब जघन्य अपराध है साइबर स्टॉकिंग ये कानून भी कहता है कि कानून भी इसमें पनिशमेंट देता है लेकिन सबसे जरूरी काम है कि हम अपने आप को सेफ रखें मतलब आप अपने आप को इतना ना जाग जाहिर करें कि आ, सारी चीजें दुनिया को पता चले आप जब भी जाए किसी पब्लिक कंप्यूटर में तो उसे लॉग आउट करना ना भूले मतलब लॉग इन करते हैं हम और उसके बाद उस वही छोड़ के चले जाते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसको चलाता है आपके नाम के मैसेज भेज सकता है बहुत लोगों को और उसके साथ ही जो है हमारा नाम तारीख जन्म तारीख वर्क प्लेस निवास स्थान ये सारी चीजें हम सोशल मीडिया पे जरूर डालते हैं कि मैं मेरा मतलब कब बर्थडे है मैं कहाँ काम करती हूँ मैं कहाँ रहती हूँ इस प्रकार का हम आ, डालते ही रहते हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप ये सारी चीजें जग जाहिर ना करें मतलब कि आप प्राइवेसी रखें प्राइवेसी का सेटिंग हर ऐप में होता है व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक सारी चीज में ऐप होता है ये प्राइवेसी का सेटिंग उसमें आप डालिए ओनली कॉन्टेक्ट्स या फिर जिनको आप जानते हैं उन्हीं तक ही सीमित रखिए आप ऑल मत करिए पब्लिक को नहीं करिए वहां पे पब्लिक का ऑप्शन होता है एक कॉन्टेक्ट का होता है तो आप कॉन्टेक्ट में ही रखिए और उसके बाद जो है एक आ, हम फोटो में लोकेशन डालने का एक ट्रेंड चला है मतलब हम लोकेशन जरूर उसमें डालते हैं कि हम यहाँ पर हैं हम यहाँ पर हैं तो इस सर्विस को जरूर बंद रखें कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल का जीपीएस भी ऑन रहता है अचानक से आपको पता ही नहीं रहता कि जीपीएस ऑन है आपको कोई ट्रैक कर सकता है तो ऐसे ही एक फोटो पर जब हम जानकारी देते हैं अगर हम फोटो अपलोड कर रहे हैं तो उसके साथ ही वो कितने बजे ली गई थी कौन से मोबाइल से ली गई थी और सारी जानकारी उस फोटो में ही रहती है कि जब आप मेटा डाटा एक सर्विस होता है उसमें तो जब आप फोटो बस अपलोड करते हैं उसी में ही पता चल जाता है हैकर्स को कि ये फोटो कहाँ ली गई कब ली गई कौन से जगह पर ली गई है और डिवाइस तक का पता चल जाता है कि ये रेडमी से ली गई कि मोटोरोला से ली गई ये सारी चीजें भी पता चल जाती है तो आप इसे तुरंत बंद करिए अपने फोन का कि एक मेटा डेटा सर्विस होता है और जो आपका जीपीएस भी ऑन रहता है उसे भी बंद करिए एक जियो टैगिंग नाम का भी फीचर होता है आपके फोन में आप सर्च करिए जियो टैगिंग और उसे फोन के सेटिंग में जाकर बंद कर दीजिए तो आपका जब कहीं पे फोटो खींचा जाएगा तो वो जो है नहीं दिखेगा लोकेशन आप किसी और को नहीं दिखेगा आप तो अपलोड कर देते हैं व्हाट्सएप में भी बहनें जो है बहुत अपलोड करती है हम यहाँ घूमने जा रहे हैं और वहां से तुरंत वो जैसे है हैक कर लेता है आगे हम बढ़ते हैं अगले क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए थोड़ा जल्दी बढ़ रहे हैं हम ठीक एक नेहा जो है खुशमिजाज लड़की है आप में से ही एक है नेहा मुंबई में रहती है वो इंस्टा पर भी बहुत अपलोड करती है ये हम केस बताएं पिक्चर मॉर्फिंग का मतलब पिक्चर बदलना मॉर्फिंग मतलब की बदलना वो जो है इंस्टा पर बहुत अपलोड करती है टिकटॉक में भी अपलोड अकाउंट है उसका हर पोस्ट पर उसके हजार लाइक्स मिलते हैं कमेंट्स मिलते हैं एक दिन एक अजनबी का रिक्वेस्ट आता है उसको वो एक्सेप्ट कर लेती है आर्यन नाम का लड़का उसको फॉलो करता है और प्रपोज भी करता है प्रपोज मतलब कि उसको शादी या फिर डेटिंग के लिए कि मेरे साथ चलो घूमो फिरो नेहा उसको ठुकरा देती है कि मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ मैं नहीं जाऊंगी और उसको झल्ला भी देती है अब वो जो आर्यन नाम का लड़का है उसको बहुत बुरा लगता है ये मेरे को कैसे रिजेक्ट कर सकती है तब उसका वो फोटो जो है जो इंस्टा पे अपलोड की रहती है टिकटॉक पे अपलोड की रहती है उससे वो सारे फोटो ले लेता है डाउनलोड कर लेता है और जो अदर जो है जैसे पॉन वेबसाइट ये सब होती है उससे जो नेकेड तस्वीरें रहती है जैसे नग्न रहती है कुछ कपड़े नहीं पहने रहते उस उसपे उसका चेहरा बस काट के लगा देता है और उसको पूरे दोस्तों को जितने कॉलेज के उसके दोस्त हैं उसको भेज देता है वायरल कर देता है और सारे साइड्स पे भी वो डाल देता है नेह को बहुत पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया मुझे हर किसी को नहीं दिखाना था नहीं किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी थी और वो डिप्रेशन में चल जाती आप ही सोचिए कि अगर किसी लड़की का इस प्रकार का तस्वीर वायरल होगा तो क्या उसे कैसा लगेगा वो तो आत्महत्या करने की कोशिश करेगी तो इसलिए बहनों हमको सबसे जो समाधान आगे बढ़ते हैं समाधान है कि आप जो है इससे पहली बात तो अपने फोटोज ऐसे सबको दिखाइए नहीं आप सोचते हैं कि मेरे से क्या फर्क पड़ता है लेकिन जो आपका ज्यादातर जो केस है हम देखते हैं उसमें क्या होता है कि जो नजदीक है जो करीबी है वही ये चीजें करता है ये नहीं कि कोई बाहर देश का बैठा हुआ करेगा उससे क्या मतलब है जो नजदीक है वो आपको स्टॉक करते रहता है वो पीछा करते रहता है तो जो आज का जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया है कोई भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं आप लोग भी यहाँ पे बहने हैं वो आराम से कॉपी पेस्ट कर लेती हैं है ना जब आपका फोन पे कोई मैसेज आता है तुरंत कॉपी करो पेस्ट करो तो वैसे ही फोटो भी कॉपी पेस्ट होती है वो भी एक एक अंग का तो चेहरा का जो होता है आज जो है सबसे ज्यादा केस इसी के हैं कि तो जो लड़कियां हैं अगर कुछ बात उनके बात नहीं मानती है या फिर उनके फेवर में काम नहीं करती है तो इसी प्रकार का काम करके उसका फोटो वायरल कर देते हैं और लड़की जो है लोक लज्जा से कि उसके समाज में क्या रहेगा नाम रहेगा कैसा रहेगा मेरे घर वाले देखेंगे तो कैसा लगेगा इस प्रकार का सोच के सुसाइड तक कर लेती है और एक जो है हाल ही में एक लड़की जो है उसने आत्महत्या कर ली तो इस प्रकार का बहनों आप लोगों को सबसे पहले तो ये करना है कि फोटो अपलोड ना करें और कर भी रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर प्राइवेसी करें सिर्फ कॉन्टेक्ट को दिखाएं पब्लिक को नहीं दिखाएं और जितना हो सके रिक्वेस्ट सबकी एक्सेप्ट ना करें जब तक आप उसको पर्सनली नहीं जानते हैं इस बात का खासम खास आप ध्यान रखेंगे आगे केस में चलते हैं ऑनलाइन गेम्स ऑनलाइन जो गेम्स है वो लड़की लड़के बच्चे किसी तक सीमित नहीं है सभी खेलते हैं और ऐसा खेलते हैं कि वो घंटे घंटे बीत जाते हैं पूरा दिन बीत जाता है आपको पता नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई तो एक देविका नाम की लड़की है वो बहुत दूर गांव से आई आई है कॉलेज करने इंजीनियरिंग कॉलेज में उसने प्रवेश लिया अब बहुत ही गांव वाव से रहती है तो उसके जो बाकी सहपाठी हैं क्लासमेट्स हैं वो सोचते हैं कि अः मतलब सोचते गांव की लड़की है क्या इससे दोस्ती करें और ऐसे ही जो है वो बहुत अकेले हो जाती है तो अचानक से उसके ईमेल में एक ब्लू वेल गेम करके लिंक आता है कि डाउनलोड करिए खेलिए और वो गलती से उसमें क्लिक भी कर देती है कि मैं खेल के देखती हूँ उसको बहुत अच्छा लगता है ये गेम कि अरे वाह बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कोई उसके दोस्त नहीं रहते तो उसको इसी में मन लगने लग जाता है पचासवे लेवल तक वो पहुंच जाती है और हर लेवल को पूरा करने पर एक टास्क उनको पूरा करना होता है और हर टास्क में उसको अच्छा लगता है कि अरे मैंने टास्क पूरा कर लिया बहुत अच्छा किया मैंने टास्क मतलब किसी काम को करना तो और वे ऐसा नहीं था कि कुछ अच्छा टास्क था वो ऐसा होता था कि अपने चाकू से अपने हाथ पैर को गोद दो अपना नाम लिख दो या कुछ वेल बना दो कुछ भी बना दो कब्रिस्तान में टहलने जाओ जैसे डेयरिंग टाइप का डेयरिंग टाइप का, का काम मिलता था किसी को के फर्क नहीं पड़ता था कि अरे इसके साथ कैसा बदलाव हो रहा है ये क्या क्या घूमते मतलब सोचते रहती अकेले रहती इस प्रकार का और लास्ट में जो उसी गेम में फाइनल टास्क उसको मिलता है फाइनल टास्क मिलता है कि आप सुसाइड कर लो फांसी लगा लो और वो इतना रम जाती है उस ऑनलाइन गेम में कि वो सही में जाकर सुसाइड कर लेती है और उसके पहले अपना एक नोट लिख लेती है माता पिता को कि काश मुझे प्यार करते मुझे लोग मुझे एक्सेप्ट करते और तो मुझे ऐसा उपेक्षा नहीं कही गई होती तो मुझे जीने का कोई मतलब होता आज मैं सुसाइड करने जा रही हूँ सॉरी माता पिता इस प्रकार को वो लिख देती है और वो सुसाइड कर लेती है तो ये एक ऑनलाइन गेम का ऐसा प्रकोप है सोचिए ऐसा दरिया चल रहा है जहां पे हर कोई डूब रहा है हर कोई फंस रहा है तो हमें जो आजकल पबजी आया था पबजी में इतने जो केसेस आए थे कि गवर्नमेंट को उसको बैन करना पड़ा कि क्योंकि पबजी में ऐसा हो जाता था कि जो आ, हमारी युवा साथी हैं अगर उसको क्योंकि उसमें बाद में पेमेंट लेते हैं तो पेमेंट अगर नहीं हुआ है तो गेम बंद हो जाता था तो जो आ, लड़के हैं वो क्या करते थे अपने माता पिता से पेमेंट की मांग करते थे पेमेंट न मिलने पर वो चाकू से मार देते थे, थे अपने ही माता पिता को या फिर आ, किसी को भी आघात पहुंचा देते थे तो ऐसा ये जो माइंड का बन जाता था कि आदमी जो है पेमेंट न मिलने पर कुछ भी कर सकता है इस प्रकार का तो ऑनलाइन गेम ऐसा खतरनाक है आइए हम चलते हैं उसके समाधान की ओर ऑनलाइन हाँ, गेम्स तो आजकल जो है आ, फेक जो है हमारे बहुत सारे ऐप डाउनलोड हो रहे हैं एक मिनट लाइट हूं। आजकल जो है आ, हम तो सोचते हैं कि हम ऐप डाउनलोड कर लें जो टेंपल रन फ्री फायर हिल क्लाइम रेस ये बहुत ही प्रचलित गेम है जो आसानी से डाउनलोड हो जाते हैं तो जो हैकर्स हैं वो क्या करते हैं दो प्रकार का एप बना लेते हैं एक तो ऐप जो ओरिजिनल बना हुआ है जिसमें ज्यादा एक बार खेल लो और वो डेटा सुरक्षित रहता है लेकिन एक जो होता है वो फेक बनाते हैं ताकि जो फ्री में डाउनलोड हो रहा है कम एमबी में डाउनलोड डाउनलोड हो रहा है करके हम तुरंत उसको ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं इससे क्या होता है आपकी निजी जानकारी चोरी हो जाती है कैसी कि आपका नाम क्या है आपका प्लेस क्या है आप क्या करते हो इस प्रकार की सारी आपकी एज भी वहां पे मेंशन होती है कि आप कितने उम्र के हो और उस एज को देखकर लोग जो हैं क्या करते हैं आपको शिकार बनाते हैं और उसी प्रकार उस उससे क्या होता है फेक ऐप से आपका जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का जहाँ पे आ, क्या रहता है आ, डिटेल्स रहते हैं जैसे आपने यूपीआई ये सारी ऐप डाउनलोड किए हैं गूगल पे चलाते होंगे फोन पे चलाते होंगे तो उसका ओटीपी तो मैसेज में आता है तो जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपने देखा होगा वो परमिशन देते हैं है ना परमिशन देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन आता है एक्सेप्ट करो तब हम ये ऐप खोलेंगे तो हम क्या करते हैं एक्सेप्ट कर देते हैं हर चीज को अलाउ कर देते हैं यूज माइक्रोफोन अलाउ यूज एस एम एस अलाव इस प्रकार का हम टिक टिक करते जाते हैं तो क्या होता है वो सारे कॉन्टेक्ट आपके देखते हैं वो सारे एस एम एस देखते हैं एस एम एस क्या क्या आता है कि आपका अकाउंट नंबर भी रहता है एस एम एस में ओटीपी भी रहता है तो जैसे ही कुछ ओटीपी आया अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसमें ओ टीपी डाल दिया तो पैसे कहाँ जाएंगे पैसे वो उनके अकाउंट में चले जाएंगे तो उसी प्रकार ये सबसे जो जरूरी है वो है कि आपको बचना है इन सबसे जितने हो सके आप जो है ऐसे कुछ भी डाउनलोड ना करें और जो बच्चे डाउनलोड कर देते हैं आपके बच्चे यहाँ पे होंगे वो डाउनलोड कर देते हैं आप बोलेंगे कि डाउनलोड कर देते हैं बच्चे हमको तो पता नहीं है लेकिन आप जो है उसको देखिए कि कौन सा बच्चा मतलब हमारा बच्चा कौन सी चीज डाउनलोड कर रहा है क्या वो गंद अश्लील चीज डाउनलोड कर रहा है क्या वो ऐसा ऐप डाउनलोड कर रहा है जो फेक है जो सही नहीं है तो आप उसको पेरेंटल कंट्रोल कहते हैं वो ऐप आता है सेटिंग्स आगे बताएंगे आगे आगे केस में हम चलते हैं एक है जॉब कॉल लेटर जो हमारी जो बहने हैं जो ग्रेजुएशन हो गया है या बारहवीं पढ़ चुकी हैं उनको होता है कि अब हमको नौकरी चाहिए तो एक निशा नाम की भी लड़की है वो फर्स्ट क्लास से पास हो गई है लेकिन उसको कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलता है वो हमेशा जो है अलग अलग वेबसाइट पे अपनी सीवी डालते रहती है सीवी डालती है मुझे नौकरी यहाँ पे यहाँ पे चाहिए और वो सोचती है कि मुझे तुरंत कॉल आएगा तो वैसे ही एक मेल, मेल आता है उसको कि एक प्रतिष्ठित कंपनी बहुत अच्छी कंपनी उससे उसको नौकरी का मैसेज आता है और उसको वेन्यू पे बुलाया जाता है जहाँ पे होना है इंटरव्यू और वहां पे फाइव स्टार होटल में उसका वो ऑटो लेकर पहुंच जाती है तो एक स्वीट रूम होता है बहुत अच्छा फाइव स्टार टाइप का रूम वहां पे सबको भेजा जाता है तो और लोग भी तैयारी करते रहते हैं बहुत अच्छे से तो जब निशा की बारी आती है तो उसे एक वेटर आकर जूस पीने के लिए देता है जूस क्योंकि धड़कन बढ़ते रहते हैं इंटरव्यू है और गला भी सूखते रहता है तो वो जूस पी जाती है अब जो है निशा जब जूस पी जाती है तो उसको फिर कुछ भी याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ या फिर कौन उसको लेकर गया कुछ भी नहीं एक अपने जब उठती है तो देखती है वो एक बिस्तर पर है और नग्न अवस्था में है उसके कप शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं है और वो बहुत ही डर जाती है कि क्या हो गया मेरे साथ नहीं। और जूस पीने के बाद उसको कुछ भी याद नहीं कौन उसको लाया क्या किया कुछ भी नहीं और उसको बाद बहुत पछतावा होता है कि ऐसे फेक मेल के चक्कर में मुझे नहीं आना था उसको चेक करना था कि क्या वो कंपनी सही में वहां पे जॉब दे रही है कि नहीं तो ऐसे लाखों लड़कियां हैं जो इस फेक मेल के चक्कर में आके या फेल फेक एसएमएस या कॉल के आके इस चीज में फंस जाती है और उसका इज्जत लूट जाते हैं पैसे लूट जाते हैं बहुत कुछ हो जाता है तो ये बहनों को आपके जो शिविर में है हमारी बहनें सारी बहनें जो जुड़ी हैं उनको ध्यान रखना है कुछ भी ऐसे लुभावने चीज आपको मिलते हैं तो आप उसे पहले रीचेक करें वेरीफाई करें कि सही में है कि नहीं क्योंकि ये आराम से आपको भेजा जा सकता है बुलाया जा सकता है और कुछ भी कर सकते थे आइए इसका समाधान भी देख लेते हैं जब भी कोई आजकल बहुत ही जो हमारा टेक्निक टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि हम जो है किसी भी कंपनी का लोगो होता है एक सिम्बॉल होता है तो वो जो है हम आराम से कॉपी कर सकते हैं आराम से उसका सरकारी सील बना सकते हैं और उसको भेज सकते हैं किसी को कि हाँ यहाँ वैकेंसी निकली हुई है तो जो हमारे दूर बैठे हुए कोई है उनको समझ नहीं आता है और वो स्वीकार कर देते हैं तो ऐसे ही टेलीफोन पर भी बातचीत करते हैं कि आपने मैसेज किया है आपको क्या ये जॉब चाहिए कितनी सैलरी चाहिए तो आदमी को विश्वास हो जाता है कि सही में है और फिर सोचते हैं कि कुछ डिपॉजिट करिए आप एक हजार या दो हजार रुपये क्योंकि ये ज्यादातर विदेशों से ऐसे जॉब कॉल लेटर ऑफर आता है और वो बोलते हैं कि आप दो हजार रुपये या पांच हजार रुपए इस अकाउंट में डालिए क्योंकि वीजा बनाना पड़ेगा या बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा इंश्योरेंस लेना पड़ेगा इस प्रकार का देते हैं तो इसके लिए पैसे चाहिए तो आदमी सोचता है अगर मुझे दो लाख की नौकरी मिल रही है तो पांच क्या चीज है अब वो पांच आराम से डाल देते हैं तो फिर बाद में पता चलता है वो पांच भी गया और कुछ भी नहीं मिला इस प्रकार का तो इसलिए आप जब भी ऐसे जॉब कॉल लेटर आपको उधर से भेजा जाए तो आप जरूर वो सोचिए कि ये गलत हो सकता है और जब हम हम भी डालते हैं किसी वेबसाइट पे अपना सीवी या कुछ भी आ, अपना जानकारी तो हमेशा वेरीफाई करें कि मैं सही वेबसाइट पे डाल रही हूं कि नहीं आगे बढ़ते हैं अब है कैमरा हैकिंग कैमरा हैकिंग एक आज ऐसा सिस्टम है जो कहीं पर भी हो सकता है जो पब्लिक जगह है रेस्टोरेंट है या कहीं पे जहाँ पे आप खाने गए हैं या घूमने गए हैं मॉल है वहां पे ये चीजें होती है बहुत अक्सर तो एक मनीषा नाम की लड़की है वो भी हमेशा अपने अकाउंट में मनी ट्रांसफर सारी चीजें अपने फोन से ही करती है तो एक बाथरूम में भी वो लेकर जाती है जैसे आजकल के हमारे युवा साथी जो है वो बाथरूम में भी मोबाइल नहीं छोड़ना चाहते हैं कहीं पे भी रहे तो वो बाथरूम में भी लेकर जाती थी तो उसको पता नहीं था कि उसके मैसेंजर पे जो है एक मालवेयर ऐप ना डाउनलोड हो गया है अपने आप तो उसको पता नहीं था तो वो जो मालवेयर ऐप होता है वो कैमरा को हैक कर लेता है मतलब आपका जो कैमरा है वो हमेशा रिकॉर्डिंग मोड में रहेगा तो ऐप जो है अपने आप डाउनलोड हो चुका है उसको पता नहीं है वो वॉशरूम में जाती है अपना बाथरूम में लेकर चली जाती है एक कोने में रखे रहती है और उधर से कैमरा हैक हो चुका है तो वीडियो आराम से बनते रहता है और जब एक दिन उसका उसका दोस्त बताता है कि अरे जो साइट है अश्लील साइट होते हैं पोर्नोग्राफी वाले उसमें उसका वीडियो वायरल हो रहा है उसको देखती है तो उसका तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अरे क्या हो गया मैंने तो कुछ भी अपलोड नहीं किया ऐसा और ना ही किसी को भेजा है या कुछ भी ऐसा तब उसको पता चलता है कि अः मुझे मोबाइल में पीछे आगे दोनों कवर लगाना चाहिए था और हर चीज को साफ करते रहना मतलब एक आता होगा आपके में कि क्लियर करो क्लियर करो हर चीज को है ना तो एंटी भी डलाना पड़ता है और क्लियर करना पड़ता है हर बार तो आप क्लियर जरूर करिए आइए समाधान इसके देखते हैं तो एक परमिशन होती है कैमरा हैकिंग के लिए जब कैमरा आपका कोई भी ऐप है वो डिवाइस है वो परमिशन मांगता है तो हम क्या करते हैं तुरंत तुरंत परमिशन दे देते हैं हर चीज के लिए तो वो परमिशन आप बिना न दीजिए मतलब ऐसा देखते रहिए और प्राइवेट फोटोज वगैरह आप लॉक करिए जो आपके सारे फोटोज है उसको लॉक करिए लैपटॉप में हो मोबाइल में हो और कोई भी वायरस जो आता है उसे हमेशा चेक करते रहिए तो आपके फोटोज बचे रहेंगे और हर ऐप को परमिशन नहीं दीजिए आगे बढ़ते हैं एक होता है सोशल ट्रोलिंग जो आज हमारे कॉलेज कॉलेज में में बहुत चलता है। में क्या चलता है 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 क्या कि जैसे कोई लड़की है, अगर वो पिछड़े वर्ग की और कम पढ़ी लिखी या फिर ज्यादा नहीं समझ पाती है अच्छे इंग्लिश को या फिर टेक्नोलॉजी को तो बच्चे क्या करते हैं युवा साथी हमारी उसकी खिंचाई करते हैं उसे चिढ़ाते हैं तो एक दिन इस लड़की के साथ भी होकर उसको चिढ़ा रहे थे तो एक लड़का उसको रोहन नाम का उसको चिढ़ाया तो जो श्रुति को बहुत बुरा लगा कि तुम चुप रहो मुझे मत बोलो इस प्रकार का वो झल्ला उस उसपे उसको बहुत बुरा लगा अरे सी लड़की आज मुझे बोल रही है तो वो रोहन क्या करता है खफा हो जाता है और उसके गंदे गंदे जोक्स बनाकर श्रुति के नाम के गंदे गंदे जोक्स बनाता है और उसे एक पेज पर डाल देता है ट्रोल पेज ऐसा होता है जिसमें सारे लोग जुड़े होते हैं और किसी का मजाक बनाते रहते हैं मीम्स बनाता है ताकि उसका सभी मजाक बनाए और श्रुति को जब पूरे कॉलेज में उसको सभी देखकर हंसने लगते हैं और मजाक बनाते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है उसको सोचती है मैं पढ़ाई ही नहीं करूंगी मैं इस कॉलेज से ही चली जाऊंगी इस प्रकार का वो कदम उठा लेती है बाद में उसको पछतावा होता है कि मुझे उसे चिल्लाना नहीं था जबकि अथॉरिटी से शिकायत करनी थी जो हमारे कॉलेज प्रशासन है कि मुझे इन लोग पढ़ने नहीं दे रहे इस प्रकार का ताइए इसका हम जानते हैं कि ज्यादातर जो ट्रोलिंग होता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे जो है हमारे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है मुझे चिढ़ाया जा रहा है और झूठे और फेक न्यूज में हम हमारी जो बहनें हैं और बच्चियां बहुत फंसती है जब हमारे फेक न्यूज आता है व्हाट्सएप के थ्रू तो बहुत आता है कि जैसे कि बहुत एक बार चला था कि दुनिया खत्म होने वाली है इस प्रकार का तो बहुत ज्यादा चला था तो ऐसे ही बहुत सारे फेक न्यूज ऑनलाइन सर्कुलेट होते हैं तो हम जो है जो समझदार व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे अपना बंद कर देंगे जहां पे आया है फेक न्यूज वहीं पे आप नहीं फॉरवर्ड करिए आप उसे वहीं पर बंद कर दीजिए तो आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि क्या होता है फेक न्यूज में क्योंकि जो पिछला व्यक्ति है जिसने फॉरवर्ड किया है उसको वो पुलिस पकड़ती है जैसे कि किसी का किसी ने कंप्लेन कर दिया कि ये फेक न्यूज वायरल हो रहा है तो जो पिछला व्यक्ति जिसने फॉरवर्ड किया उसी को ही पूछताछ होगी तो आप एक काम करिए कि आप उसे आगे फॉरवर्ड ना करिए हम आखिरी आखिरी में चल रहे हैं थोड़ी देर और एक होता है पॉन्जी स्कीम ये बहुत ज्यादा चलती है आजकल के सोशल नेटवर्किंग बोलते हैं इसे सोशल नेटवर्किंग मतलब कि मार्केट नेटवर्किंग मार्केट एक बनाते हैं तो ऐसी ही लड़कियाँ जो है बहुत फंसती है जिनको नौकरी की चाहत होती है सोचते हैं मुझे बहुत लग्जरी लाइफ जीनी है बहुत शानदार जीवन तो वो सोचती है पैसे चाहिए पैसे कहाँ से मिलेगी जब हम कोई काम करेंगे कंपनी का काम तो एक ऐसी वेबसाइट देखती है जहाँ पे अगर आप ये काम करते हो तो आपको कार मिलेगी और एक विदेश यात्रा करने मिलेगी सिर्फ नौ हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये में और उसमें वो जाती है एक फाइव स्टार होटल में और वहां पे वो इनरोल्ड हो जाती है उसको बोलते हैं अगर जो है आप और लोगों को बुलाओगे और इस चीज में जोड़ोगे तो आपको कमीशन मिलने लग जाएगा तो और लोगों को बुलाती है दो लोग को वो दो लोग चार लोग को बुलाते हैं चार लोग आठ लोग को बुलाते हैं ऐसे करके उनका जो नेटवर्किंग है बढ़ते जाता है तो शुरुआत में उसको अच्छा लगता है थोड़े पैसे भी मिलते हैं कमीशन भी मिलता है एक दिन एक दिन क्या देखती है वो वेबसाइट बंद हो गई वो चल ही नहीं रही है वेबसाइट और न्यूज में आता है कि वो जो फेक कंपनी थी वो लोगों को ठग के भाग गई अब नेहा क्या करती जो सारे मेंबर उसने जुड़े थे वो आकर उसी से ही पैसे मांगने लग जाते हैं तो हमारी जो बच्चे हैं बहनें हैं जो नहीं ज्यादा समझ पाती हैं उन लोग इस स्कीम में बहुत फंसते हैं और इसके शिकार हो जाते हैं और बाद में जो उनके पहचान है चिर परिचित उन्हीं को ही दबाव डालते हैं कि आप पैसा भरिए तो आइए हम इसका समाधान जाते हैं तो शॉर्टकट ना अपनाएं कोई भी चीज शॉर्टकट से नहीं मिलती है और ज्यादा मुनाफा का जब वादा करती है कोई चीज तो आप उसे जरूर वेरीफाई करें कि हो ही नहीं सकता और शिक्षित भी फंसते हैं इस चीज में जो पढ़े लिखे हैं पढ़ी लिखी लड़की थी वो भी गई तो ऐसे बहुत सारे लोग फंसते हैं तो आप पहले पूरे प्रोजेक्ट को पढ़िए कि क्या वो सही है क्रॉस वेरीफाई करिए रिसर्च करिए फिर पैसा डालिए इस चीज का बहुत खासम खास आप सभी को ध्यान रखना है एक है फेक मेट्रीमोनियल प्रोफाइल जैसे कि आजकल शादी डॉट कॉम ऐसे ऐसा बहुत चलता है जिसमें जो लड़कियां हैं युवा साथ हमारी लड़कियां वो सोचती है कि अगर हम साइट पे अपना अकाउंट बना देंगे तो हमको बहुत अच्छा दूल्हा मिलेगा अपनी मनपसंद का दूल्हा ढूंढने के चक्कर में हम उस उसपे अकाउंट बनाते हैं ऐसे ही एक ना फातिमा नाम की लड़की जो पढ़ी लिखी इंजीनियर है उसने बनाया और बहुत सारे जो अः उसे दूल्हे भी मिलने लग गए तो एक दिन तीस ल, तीस साल का एक लड़का उसको मैसेज करता है कि मैं आपको पसंद कर रहा हूँ हम आगे बढ़ते हैं तो वो जब चेक करती है तो देखती है कि वो एक इंडियन सिटीजन है भारतीय है आई ए आई आर एस ऑफिसर है रेलवे ऑफिसर है और बेंगलोर में अमीर घराने का है दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं अब वो उसके झांसे में आ जाती है तो ए, और उसको यकीन हो करके ही उस दिन एक, एक, एक लड़का आके क्या बोलता है ये मेरा आईडी है फैमिली फोटो है और सब चीज का फोटो दिखाता है कि उसको बहुत यकीन हो जाए एक दिन वो लड़का आता है क्योंकि अः बोलता है मेरे नेता लोग जो हैं वो बहुत दुखी मतलब मेरे से जलते हैं और मुझे सस्पेंड करना चाहते हैं इसलिए उसने मुझे सस्पेंड कर दिया तो मुझे अपनी नौकरी वापस पाने के लिए मुझे पांच लाख रुपए चाहिए अब नेहा जो है वो तो भावनाशील होती है वो प्रेम में पड़ी होती है तो वो सोचती है कि मेरे जो टू बी हस्बैंड मतलब हस्बैंड हुआ नहीं रहता है लेकिन होने वाला है मेरे मंगेता टाइप का उसको मैं क्यों नहीं मदद करूं और वो तुरंत पांच लाख रुपए देती है और वो सिक्योरिटी के लिए उसके पास आईडी कार्ड सारे वीजा पासपोर्ट जमा कर देता है वो तो नकली होते ही हैं तो एक हफ्ते बाद न्यूज़पेपर में आता है कि वो जो लड़का है कई लड़कियों को इसी साइड से फचा चुका था वो बहुत लड़कियों को ऐसे फंसा के बहुत सारे पैसे तो तो चीजें ना डालें आप जो है इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है आज आप न्यूज में आप देखेंगे कि हर एक हफ्ते में तो जरूर ऐसे न्यूज आ जाते हैं कि शादी के नाम पर ठगी हुई तो ये जो है ऑनलाइन साइट्स है ऐसा नहीं कि सभी लोग अपना सही कुछ चीजें डालते होंगे क्या पता बहुत गलत गलत चीज डालते हैं ताकि कोई ना कोई अमीर लड़की उनसे फंस जाए या बहुत अच्छी लड़की उसे फंस जाए तो इस चीज पे बिल्कुल आप ना डालें एक है मोबाइल रिपेयर शॉप जिसपे जो है हमारी बहनें रिपेयर करने के लिए दे देती है और फिर क्या करती है कि जो रिपेयर करने वाला जो आदमी है दुकान वाला वो आराम से सारे फोटोज डाटा सारी चीज कलेक्ट कर लेता है अपने कंप्यूटर पे क्योंकि वो तो रिपेयर कर रहा है और फिर बाद में उसी लड़की को ब्लैकमेल करता है कि मतलब तुम्हारे जो है वीडियो में वायरल कर दूंगा या फोटोज वायरल कर दूंगा तो इस प्रकार का आप जब भी रिपेयर शॉप पे दे तो एक सर्विस सेंटर होता है मोबाइल का आप सर्विस सेंटर में दीजिए या फिर जब भी आप दें लॉक करके दीजिए कैसे लॉक करेंगे आइए देखते हैं आगे तो एक होता है ओटीपी सारी सिम कार्ड आपके यहाँ पे कॉपी कर सकता है तो जो हम है हमेशा अपना एक इनक्रिप्ट करें मतलब एक लॉक करने का ऑप्शन होता है इनक्रिप्ट करना सारे मैसेज इनक्रिप्ट करना व्हाट्सएप में देखेंगे आप कभी आ, यूर मैसेजेस आर इनक्रिप्ट ऐसा लिखा रहता है व्हाट्सएप में जब भी आप चैट करते हैं तो तो वैसे ही आपका जो फोटो है और सारे डेटा है ओ है उसे इंक्रिप्ट करें जब भी आप रखें अपने पास और कभी किसी दौरान गिर जाता है मोबाइल टूट जाता है मोबाइल तो हम क्या करते हैं देते हैं कि स्क्रीन बना दीजिए या फिर क्या हो गया बैटरी चल नहीं रही है आप उसे इंक्रिप्ट करके रखेंगे तो उसके लिए एक की चाहिए रहती है जब खोलने के लिए एक की और दुकान वाले के पास की नहीं होती है मतलब चाबी तो वो नहीं खोल पाता है आप फॉर्मेट भी करोगे ना तो भी वो मिल जाता है आराम से रिकवरी हो जाती है कंप्यूटर में तो फॉर्मेट का भी कोई ऑप्शन नहीं आप इंक्रिप्ट करना चाहिए उसे तो ये हमारा सबसे जो समाधान है ऐसे ही हमारा एक फेक प्रोफाइल है जो बहुत चलता है फेक प्रोफाइल इसी प्रकार का है कि जो कैमरा है उसे हैक कर लिया जाता है और उसका फिर फेक प्रोफाइल बनाया जाता है मतलब कि जैसे कि मैंने अपने सर का बताया कि कैसे उनके आईडी को बदलकर दूसरे आईडी से सबको मैसेज भेजा गया वैसे ही लड़कियों का फोटो तो आ, सोशल मीडिया पर रहता ही है तो क्या करते हैं दो प्रोफाइल बना लेते हैं और दो प्रोफाइल बनाते हैं तो वो जो है अपने अपने जो फेक प्रोफाइल है उससे मैसेज भेजते हैं कि आप हमको दीजिए या फिर आ, मेरे फ्रेंड बनिए और उससे फिर बातचीत करते हैं इस प्रकार का तो आइए इसका हम जानते हैं कि आप जो है आ, बिना अनुमति फोटो जो है आप फोटो बहुत ही प्राइवेसी करके डालिए क्योंकि ये जो है बहुत ब्लैकमेल करते हैं इस प्रकार के तो आइए अब जो है हम सबसे जो आखिरी का दौर है हमारा लास्ट आ गया है कि हम साइबर स्मार्ट बने कि लोग जो है ये तो छोटे छोटे केसेस हैं लेकिन ये जो है इतने ज्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं कि जो केस है वो हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ कैसे बीता तो हम जो है साइबर स्मार्ट कैसे बनेंगे कि जो भी अनजान है कॉल है मैसेज आता है लुभावना ऑफर देता है तो उसे तुरंत आप ब्लॉक करिए कोई भी ऑनलाइन खरीद खरीदारी या जानकारी देना हो तो आप जो है नहीं दीजिए जब भी आपको किसी अनजान व्यक्ति को कोई भी ओ टी नंबर कार्ड नंबर आधार नंबर बिल्कुल भी नहीं देंगे जो अनजान है उन्हें और जब बीमा बीमा फाइनेंस लॉटरी गई केबीसी में आपने इतना जीता लकी ड्रॉ है ये सारे मैसेज आप बिल्कुल उसके नहीं जाइए एक ये एक बहुत ज्यादा आता है कि केवाईसी अपडेट करिए बैंक से मैसेज आया है कि आप जो है एसबीआई में अभी अकाउंट खोले हैं आपके एसबीआई अकाउंट है केवाईसी अपडेट कीजिए तो आदमी क्या करता है केवाईसी अपडेट करने बैंक से मैसेज आया है तो मैं जरूर करूंगा और कर देते हैं केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर आप अपने कस्टमर को जाने तो आप कस्टमर क्या करेगा सारी चीजें अपनी निजी जानकारी उसमें भर देगा और उसको कितना आसान हो जाएगा आपका डेटा चुराने में जैसे लोन ऐप्स हैं उसके भी झांसे में नहीं आएंगे और जो आपका लैपटॉप है या फिर ऐप है उसमें ऐसे कई आ, जो एप्लीकेशन है क्विक सपोर्ट एनी डेस्क टीम व्यूअर इसको तो बिल्कुल इंस्टॉल नहीं कीजिए ये आपका फोन हैक करने के लिए होता है या आप लोग लिख लेंगे ये तीन चार जो ऐप है वो अब लास्ट में हम चलेंगे इसके साथ ही अनजान नंबर के आई लिंक्स को कभी भी क्लिक नहीं करेंगे आप रजिस्ट्रेशन या अकाउंट टेस्ट करने के नाम पे दस रुपए की राशि ट्रांसफर पहले करिए ऐसा बोला जाता है तो आप बिल्कुल ना करिए अनजान नंबर का वीडियो कॉल ये तो बहुत बड़ा आज का मुद्दा है क्योंकि इसके झांसे में जो है बहुत मतलब ऐसा समझा जाए कई पैसे वाले जो है जिनको अपनी इज्जत नहीं लुटानी है वो जरूर करते हैं कि जैसे कोई अननोन नंबर से वीडियो कॉल आया हम सोचते हैं कोई अर्जेंट कर रहा होगा वीडियो कॉल अक्सर व्हाट्सएप पे आता है आप उसको उठा देते हैं तो क्या करती हैं जो झांसे में लेती है वो होती है अक्सर लड़कियां मतलब जो फंसाना चाहती है और वो वीडियो कॉल क्योंकि उठा चुका है तो वो उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करती है मतलब रिकॉर्डिंग करती है तो जो लड़का उसका फोटो तो आ गया उसका चेहरा तो आ गया सामने और वो लड़की जो है जो फंसाने वाली है क्योंकि ऐसी लड़कियां बहुत है जो फंसा रही है पीछे से तो वो क्या करती हैं कि आ, अपने आ, इधर वीडियो कॉल चल रहा है और उसको क्या आ, मतलब एक रिकॉर्ड कर लेती है और जब वायरल करने की धमकी देती तो ऐसे कितने ही वीडियो कॉल में फंसे हुए हमारे लड़के भाई हैं जो अः नंबर से उठा लेते हैं और स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाता है लाखों लाखों रुपए जा चुके हैं इस चक्कर में तो मैं, मैंने अपने मेरे में भी एक बार आया था लेकिन वो जो है नंबर वन टू से शुरू होता था वन टू से तो भारतीय नंबर शुरू नहीं होता है तो मैंने उठाया नहीं तीन बार आया तो इस प्रकार का आप लोग व्हाट्सएप पे जरूर चेक करिए और आप उसको अगर है मत उठाइए बाद में आप उन्हें ये कर सकते हैं कि आप कौन इस प्रकार का पूछ सकते हैं आप मत ही पूछिए जब तक वो उधर से मैसेज ना करें ओ एल का आजकल बहुत चला है जिसमें कोई आर्मी मैन बनकर सस्ते सामान बेचने की झांसा देता है कैंटीन से मैं आर्मियों को कैंटीन से कम दाम में मिलता है तो वो बोलता है कि मैं आर्मी मैन हूं मुझे कम दाम में मिल रहा है आप ये ले लीजिए और उस चक्कर में वो पैसे डालते हैं और उसके बाद वो बंद कर देते हैं अकाउंट जैसे यूपीआई पेमेंट है तो जो पिन है हम जो पिन है वो छह नंबर का होता है पिन उसको आप किसी से भी शेयर ना करें और क्यू कोड जब भी आप स्कैन करेंगे आप उसे वेरीफाई करें कि ये सही क्यू कोड है इस प्रकार का गूगल के जब हम कोई कस्टमर केयर नंबर ढूंढना चाहेंगे तो हम सबसे पहले गूगल में डालते हैं कि एयरटेल का कस्टमर केयर नंबर जियो का कस्टमर केयर नंबर या फिर कोई वॉशिंग मशीन या जो मतलब मशीन है उसका कस्टमर केयर नंबर हम गूगल पर सबसे पहले सर्च करते हैं ताकि हमें बात हो सके इसमें सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है क्योंकि कस्टमर केयर नंबर क्या होता है कि बहुत सारे हैकर्स डाले रहते हैं जब आप उनको कॉल करते हैं तो वो तुरंत हैक कर लेते हैं और जो भी जानकारी आपने दी है वो तुरंत उनके अकाउंट से पार हो जाता है पैसा तो इसलिए आप कस्टमर केयर नंबर का हमेशा जो वेरीफाइड साइट है जैसे जियो का साइट है तो डब्ल्यू ऐसा होगा तभी आप उसको ठीक करिए ऐसे नंबर हैं जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर जो वन फोर फोर जीरो वन फोर फोर जीरो ऐसे शुरू हो रहे हैं ये आपके फेक नंबर है जिससे वीडियो कॉल अक्सर आते हैं वीडियो कॉल से लेके कोई मैसेज तो हमेशा वेरीफाई करें अकाउंट को और जो ये हमारी शिकायत करने के लिए नंबर है उन्नीस सौ तीस जिसपे साइबर क्राइम से जो ठगी हुई है वो शिकायत अपना शिकायत कर सकते हैं कि आ, और ये जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है साइबर क्राइम डॉट डॉट इन उस पर भी आप शिकायत कर सकते हैं रायपुर के पुलिस साइबर सेल का भी व्हाट्सएप नंबर है आप इसे नोट कर सकते हैं जिसपे आप व्हाट्सएप करने पर आपकी शिकायत दर्ज हो सकती है आखिरी है ये आ, एक अभिव्यक्ति करके ऐप है आ, जो हमारी सरकार ने निकाली जिसमें कोई भी महिला जो पीड़ित महिला है महिलाएं जो पीड़ित है वो अपना शिकायत तुरंत दर्ज कर सकती है और इसमें त्वरित एक्शन होता है इस ऐप से त्वरित एक्शन होता है जैसे कि आप पुलिस स्टेशन कौन जाएगा इस प्रकार का रहता है आने जाने में दिक्कतें महिलाओं को तो इस ऐप से आप डाउनलोड कर लीजिए अभी अपने मोबाइल में और इस ऐप के द्वारा आप तुरंत रजिस्टर कर सकते हैं अपनी कंप्लेन और ये वही है जैसे कि आपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में पास के में जाकर आप शिकायत करिएगा हेल्पलाइन नंबर उन्नीस सौ तीस है जिसपे आप तुरंत कोई भी फ्रॉड हो तुरंत आप फोन करके अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं आ, इतना हमारा आज का ये विषय समाप्त होता है अब आप आपके मतलब प्रश्न आमंत्रित है और जो भी आपको समझ नहीं आया होगा हम पीछे उसमें चल सकते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक मैं है जी अब मैं कुंती दीदी आप आगे जारी रखेंगे प्रणाम दीदी अच्छा बहुत ही सुंदर और बहुत ही आवश्यक जानकारी हमारी मीना बहन के द्वारा हम सबको दी गई है और ये इसमें केवल बहने ही नहीं भाई भी फंसते हैं लेकिन बहनों को ज्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है और ये जो जानकारी आज की है बहनों आप लोग सुने भी होंगे अगर नहीं भी सुन पाए हैं जो बहन रिकॉर्ड हो चुका है कृपया तो इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करें कह सकते हैं सभी बहनों के पास से जाना चाहिए प्रत्येक पन्ने का शिविर तो है उस शिविर में ये जानकारी बताना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आज हमारी बेटियां कहीं ना कहीं से पूरी तरह से फसे हुई है और सुरक्षित नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इतनी बढ़िया और इतनी आवश्यक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रिकॉर्डिंग बंद करवाएंगे और बाकी जो हमारी बहने हैं उनसे निवेदन है कि आप अपने ओपिनियन विचार या कोई बातें कोई प्रश्न आप लोग कर सकते हैं तभी बहनों से निवेदन है आप अपने विचार भैया हम तो रिकॉर्डिंग कृपया बंद कर देंगे यदि यो योगेंद्रिया राठौड़ तो।